हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर पहले एक सिजेरियन डिलीवरी है तो आपको सेकंड चाइल्ड कब प्लान करना चाहिए, मतलब दो प्रेगनेंसीज के बीच में आपको कितना गैप रखना है। ये अक्सर ये सवाल लोगों के दिमाग में रहता है कि अगर हमने पहली प्रेगनेंसी सिजेरियन से ली है, सिजेरियन डिलीवरी हुआ है, तो दूसरे बच्चे के बीच में कितना गैप होना चाहिए। देखिए, इसके लिए कोई फिक्स्ड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज 1 to 3 years, 1 से 3 साल का गैप सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए रखना अच्छा रहेगा। अब ये 1 साल का होना चाहिए, 2 साल का, 3 साल का, या इससे भी ज्यादा, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे जो कि केस टू केस वेरी करता है। आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि गैप लेना क्यों जरूरी होता है। क्यों हम बोलते हैं कि एक सिजेरियन के बाद सेकेंड प्रेगनेंसी में कम से कम 1.5-2 साल का गैप जरूर रखिए। वो इसलिए होता है कि जब भी कोई एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उन हार्मोनल चेंजेस के चलते शरीर में बहुत बदलाव भी आते हैं। अब डिलीवरी चाहे नॉर्मल वजाइनल रूट से हो या सजेरियन से हो, प्रेगनेंसी के दौरान आने वाले बॉडी के जो चेंजेस हैं, इनको वापस नॉर्मलाइज होने में, अपने बैक टू शेप आने में कम से कम 1-1.5 साल लग जाता है। और इसी दौरान आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है प्रेगनेंसी में, हमारा ब्लड लॉस ज्यादा होता है, आयरन कंजम्पशन ज्यादा होता है, प्रोटीन कंजम्पशन ज्यादा होता है, तो ये सब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो प्रेगनेंसी और उसके बाद फिर जब आप बच्चे को फीड कराते हैं उस दौरान जो बॉडी में डेवलप होती है, उसको भी वापस नॉर्मलाइज होने में कुछ टाइम लगता है। ऑन एन एवरेज तकरीबन 1.5-2 साल रहता है। तो चाहे किसी ने नॉर्मल डिलीवरी लिया हो या सजेरियन लिया हो, अगर एक एवरेज की हम बात करें तो 1.5-2 साल का गैप ले लेना ठीक रहता है। और साथ ही साथ इस दौरान आप एक अपना एक बच्चे की परवरिश में काफी हद तक आप अपने करियर को भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में आ जाते हैं, तो वो सब एडजस्टमेंट्स के लिए भी कुछ टाइम चाहिए। एक बच्चे के साथ में आप दूसरे बच्चे की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं या नहीं है, दोनों बच्चों की नीड्स थोड़ी सी अलग अलग होनी चाहिए, तो ये लगभग 1.5-2 साल में ऑन एन एवरेज कंप्लीट हो जाता है। अगर आपकी पहली डिलीवरी सिजेरियन से हुई है तो एक जो एडिशनल फैक्टर इसमें आता है वो होता है कि बच्चेदानी के ऊपर चीरा लगा करके वहां से बेबी को निकाला जाता है, तो ऐसे में जो यूट्रस की स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, उसको वापस गेन करने में भी 1.5-2 साल का टाइम लग जाता है। तो इसके बाद अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो मदर या बच्चे को कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगा उसके चांसेस कम हो जाते हैं। आपको बच्चे की परवरिश में जितनी एनर्जी लगी थी पहले वाले के टाइम पे, अभी भी लगभग उतनी लगेगी, कोई एडिशनल बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों बच्चों के बीच में एक डिसेंट गैप होता है, तो आप उस हिसाब से चीजें मैनेज कर लेते हैं, मेंटली भी आप प्रिपेयर हो जाते हैं चीजों को हैंडल करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक्सीडेंटली कभी 1.5 साल से पहले प्रेगनेंसी अगर आपकी रुक जाती है तो आपको पैनिक मोड में आ जाना चाहिए कि अब क्या करें, अब हम क्या इसे अबॉर्ट करा लें क्या, या इसमें हमें बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं होने वाली है, वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप 1.5 साल से पहले कंसीव कर लेते हैं तो वो प्रेगनेंसी में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, कुछ इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए और अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए, ताकि ये जो कम गैप में प्रेगनेंसी हो गई है, हम लोग उसके नुकसान को जल्दी से कवर अप करें। लेकिन पैनिक होने की या अबॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, केयरफुल वॉच करने की जरूरत जरूर है। अब सिजेरियन के बाद एक अक्सर जो और चीज दिमाग में आती है कि क्या हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं। डेफिनेटली आप कर सकते हैं, अगर आपने एक अच्छा गैप, 1.5-2 साल का गैप अगर दूसरी प्रेगनेंसी में दिया है, तो चांसेस कि आप नॉर्मल डिलीवरी करा पाएंगे वो ज्यादा अच्छा होता है। अगर गैप कम रहता है तो फिर वीबैक, वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, रिस्की हो जाता है, क्योंकि उसमें यूट्रस के रप्चर होने का, टाकू के गिवअप करने का चांसेस ज्यादा होता है। तो फर्क बस इतना ही है कि अगर आपने जल्दी प्लान कर लिया तो हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाए, या आपको वजाइनल ट्रायल के लिए आपके डॉक्टर मना कर दे। इसके अलावा जब पहला सजेरियन होता है और आप दूसरी बार अगर प्रेग्नेंट होते हैं, तो कुछ चीजों का ध्यान और रखना है। एक तो ये कि आपकी एक अच्छी जगह से अल्ट्रासाउंड होनी जरूरी है, क्योंकि एक सजेरियन के बाद सेकेंड टाइम जब हम कंसीव करते हैं तो प्लेसेंटा यानी कि आवल का स्कार पे चिपकने का रिस्क, अगर वो लो लाइन प्लेसेंटा है तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत आ सकती है, या प्लेसेंटल अब्रप्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बच्चे की ग्रोथ कम रहने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ये सब रिस्क अगर आपने गैप कम दिया है तो डेफिनेटली
ज्यादा हो जाएगा. अदरवाइज ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग कॉम्प्लिकेशन रेट सेम रहते हैं. अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया 1.5-2 साल का गैप करना है तो ये हर केस में अप्लाई होता है. अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी में आउटकम अच्छा नहीं रहा, सजेरियन तो हो गया बट अनफॉर्चुनेटली बेबी ठीक नहीं रहा, या आपकी एज ज्यादा है, 30+ आप हो चुके हो और आप सेकेंड चाइल्ड प्लान करना चाहते हो, या आपकी एज कम है लेकिन किसी वजह से आपने अपने ओवेरियन रिजर्व चेक कराए और वो कम है, तो ऐसे केसेस में हम सजेस्ट करेंगे कि 1 साल का गैप भी काफी है, आप ज्यादा वेट नहीं करें. अगर आप किसी वजह से ज्यादा गैप देना चाह रहे हैं, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, या आपकी पर्सनल लाइफ पे भी हो सकता है, अगर आपकी एज कम है तो आप कितना मर्जी गैप दीजिए, कोई परेशानी नहीं आने वाली है. लेकिन अगर आप 30-35 के आसपास हैं और फिर आप अपने गैप को ज्यादा रखना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप डॉक्टर से मिलकर के अपना ओवेरियन रिजर्व जरूर चेक करा लीजिए. उसके लिए एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं AMH, और ये अगर आप ठीक है तो आपका, अगर अच्छा है तो आप लंबा गैप भी ले सकते हैं, और अगर ये कम है तो फिर आपको जल्दी से प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए. तो इन समराइज अगर हम इस चीज को करते हैं तो उसमें मैं सिर्फ ये कंक्लूड करना चाहूंगी कि एक सिजेरियन के बाद दूसरा बच्चा अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो कायदे से 1.5-2 साल का गैप देना अच्छा रहेगा. लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में पहले कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी कि आपका यूट्रस को नुकसान हो गया था, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई, या आप कमजोर हैं, या पोस्ट प्रेगनेंसी आप किसी मेंटल डिप्रेशन में चले गए, एज आपकी कम है, तो आप 2 साल से ज्यादा का गैप रखेंगे तो अच्छा रहेगा. ऐसे ही अगर आपकी एज ज्यादा है या फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमें बच्चा ठीक नहीं मिला, या आप प्रोफेशनली प्रेगनेंसी को ज्यादा डिले नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर के गैप को 6-8 महीने का भी रख सकते हैं. लेकिन अगर आप गैप कम रखते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा बातों का ध्यान जरूर रखना है जो हमने अपने पहले वीडियो में बोला है. इस टॉपिक से संबंधित अगर आपके कोई और सवाल है तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, मैं टाइम टू टाइम उनका जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगी. थैंक यू.